भारत के वो रेसलर है, आप समझते कि रेसलर क्या होता है जो दूसरों को धूल चटा कर आता है, आज वो 72 घंटे से यहाँ बैठा हुआ धूल चाट रहा है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े बाहुबली बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक सो रही है। एक महिला लगातार हर मिनट में अपने आप को कह रही है कि मेरा यौन शोषण हुआ है। कौन महिला कह देती है? नहीं कहती। जब बात बहुत बड़ी होगी जब ही वो महिला कह रही होगी ना। सरकार तो हिटलर हो रहे हैं, ये तो ये सोच रहे हैं कि हर जुल्म को हम बंदूक से, हर जुल्म को हम अपने हिटलर शाही से झुका देंगे। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, जो संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, वो सांसद कहलाने के लायक है? रिजवी जी, 72 घंटे होने वाले हैं लेकिन कोई भी अभी नतीजा नहीं निकला है, तो ये नाकामी तो मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों की भी नजर आती है कि आप लोगों ने पूरी शिद्दत और हिद्दत के साथ आवाज शायद नहीं बुलंद करी। अभी तक दुनिया में मैसेज नहीं गया कि भारत के वो प्लेयर जो भारत का गौरव है, भारत के वो रेसलर है, आप समझते कि रेसलर क्या होता है जो दूसरों को धूल चटा कर आता है, आज वो 72 घंटे से यहाँ बैठा हुआ धूल चाट रहा है। वो उम्मीद की तरफ देख रहा है, भारत की तरफ, आप लोगों की तरफ, भारत की जनता की तरफ, भारत के बुद्धिजीवियों की तरफ, कि कौन है जो हमारे लिए आवाज उठाए, कौन है जो हमारे साथ यहाँ पर खड़ा हो। 2000 कैमरे लग रहे हैं, 72 घंटे हो गए, आप कह रही हमने खबर नहीं पहुंचाई है। नहीं तो सही तरह से खबर नहीं पहुंचाई है। आप ये देख क्यों नहीं खलबली मची, भले यहाँ पर सारे बड़े बड़े बाहुबली बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक सो रही है। सरकार अभी तक एक नैरेटिव सेट करे कि हम किस तरह अपने आप को बचाए, सरकार अभी तक इनको झूठा बनाने पे लगी पड़ी है। एक महिला पूरी टीम अगर ये कह रही है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? एक महिला लगातार हर मिनट में अपने आप को कह रही है कि मेरा यौन शोषण हुआ है। कौन महिला कह देती है? नहीं कहती। जब बात बहुत बड़ी होगी, जब भी वो महिला कह रही होगी ना, तो आप उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं इल्जाम सिद्ध करो, यानी आप अंदर बचाने के कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बचाना चाह रहे हैं, आप इनको झूठा बनाना चाह रहे हैं, आप ना मालूम इनके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे होंगे, आप इनके साथ क्या ना मालूम क्या व्यवहार करेंगे। मुझे तो इनकी जिंदगियों के भी टोटे लग रहे हैं। सांसद महोदय कह रहे हैं कि जांच करवा लो। ये सांसद महोदय वही है जनाब, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अंडरवर्ल्ड डॉन से इनके ताल्लुकात निकल कर आए थे, जब भी इनके ऊपर मिट्टी डाल के इनको दबा दिया गया था कि ना निकले। जब आप गंदगी को पालोगे तो यही हाल होगा कि मतलब आप ये देखिए, जो महिलाएं, जो बच्चियां, माँ बाप भारत का गौरव बनाने के लिए, भारत का नाम बनाने के लिए कैंपों में छोड़कर आते हैं, अपने से दूर अपनी बच्चियों को करते हैं, वहां पर तुम इनके साथ इस तरह का काम करोगे? अब आप बताइए, जब इन महिलाओं को सारा भारत सुनना है, क्या भारत की वो कौन सी माँ बाप माँ है जो अपनी बेटी को कहेगी जा तू लूटने के लिए जा, कबड्डी खेल, कुश्ती खेल, हॉकी खेल, फुटबॉल खेल? ये तो एक कैंप का हाल है, मुझे क्या मालूम हर कैंप में यही हो रहा होगा। पावरफुल हो रहे हैं या मोदी सरकार ज्यादा पावरफुल? नहीं नहीं, ये मोदी सरकार तो हिटलर हो रहे हैं, ये तो ये सोच रहे हैं कि हर जुल्म को हम बंदूक से, हर जुल्म को हम अपने हिटलर शाही से झुका देंगे। इस तरह नहीं होता। डरिए, उस आह से डरिए, उस माँ की आह से डरिए, उस बेटी की आह से डरिए जो 72 घंटे से इंसाफ के लिए आपको देख रही है। 72 घंटे से भारत का गौरव यहाँ पड़ा हुआ है। 72 घंटे बहुत मायने रखते हैं। कई लोग इनमें वो भी हैं जो बीजेपी का सपोर्ट करते आए हैं। नहीं तो बीजेपी का सपोर्ट करना कोई ये तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई ऐसा फतवा लग जाए कि गर्दन कलम हो जाए। बीजेपी का सपोर्ट करिए, अंधभक्ति अच्छी नहीं है, भक्ति अच्छी है, आप अंधभक्त मत बनिए। अगर बीजेपी में भी कोई गलत काम होता है तो आप उसको उजागर करिए। उजागर नहीं कर सकते, कम से कम उन लोगों के साथ खड़े हो जाइए जो उस काम को गलत कह रहे हैं। आप इतना तो कर सकते हैं ना, अगर एक महिला कह रही है उसके साथ गलत हुआ है, उसको सुनिए, क्योंकि एक महिला चाहे कैसी भी हो, वो झूठा इल्जाम अपने कैरेक्टर पर नहीं लगा सकते कि मेरे साथ गलत हुआ। और वो महिला जो देश का मान सम्मान हो, जो गोल्ड मेडल लेकर आई हो, वो कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, यानी गलत हुआ है। कह रहे मंत्री की अगर गलत होंगे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, हम गलत है ही नहीं, सीट कर नहीं। तो जब अंडरवर्ल्ड डॉन से उनके ताल्लुकात निकले तभी फांसी पे चढ़ा दिया होता, तो आज ये केस तो ना होता, तब भी तो निकले थे। मैं गलत तो नहीं करी, स्टडी करिए जाकर। आप संबंध पे पहुंच गए, यहाँ मामला दूसरा है ना, देखिए यौन उत्पीड़न का मामला है यहाँ पर। जब कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हो जाता है, उसका जो दिमाग, उसको अच्छा बुरा नजर नहीं आता। जब आप देश हित में काम नहीं कर रहे तो आप महिला हित में कैसे काम करें? देश हित में काम नहीं कर रहे, बिल्कुल अंडर नहीं। जो सांसद बन गए, मुझे तो खुद हैरानी कि आप जैसे लोगों ने उसको कैसे जितवाया, किस तरह आप उनकी करें, मतलब पब्लिसिटी तो आप करते हो, आप ही तो उनको हीरो बना बना के पेश करते हो। अगर आप ही उनका भांडा फोड़ अभियान चलाओ, जब वो इलेक्शन में खड़े हो, उनके तमाम चिट्ठे, काले चिट्ठे लेकर आओ, तो ये क्या सांसद बनेंगे? जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, जो संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, वो सांसद कहलाने के लायक है? बीजेपी तो महिलाओं का सम्मान कर रहे, बेटी बचाओ बेटी, जी 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 के और बलात्कारियों को संस्कारी भी इसी पार्टी ने बनाया था। अभी जो आपने पहली जनवरी में हड्डियां घिस घिस के एक 20 साल की लड़की को गाड़ी के नीचे बांधकर 15 किलोमीटर तक घुमाया था, वो भी बीजेपी के ही
नेता थे, तो मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? बताइए, आपने बिल्किस बानो का नाम लिया, बिल्किस बानो के जब दोषियों को छोड़ा गया तो ये जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनकी आवाज देश सुनता है, क्यों आवाज नहीं उठाई इन्होंने, साथ में क्यों नहीं खड़े? आपको क्या लगता है? चलिए, आपको लगता है जब ये बेचारे अपनी आवाज नहीं उठवा पा रहा है, आपको लगता है बिल्किस बानो के लिए कुछ लिखते तो क्या सरकार सुनती? आज अपने लिए नहीं, तो आज लिख रहे हैं, हो सकता है अपने कामों में, नहीं तो हो सकता है ये सोशल मीडिया से दूर हूँ जो नकली किसान, अगर आप उससे ऊपर आई तो सब सामने आ जाते। देखिए, मैं तो कोई एथलीट हूँ नहीं, मैं तो इनको समर्थन देने आई हूँ, अगर इन्होंने दूरी बनाई तो हो सकता है सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो ही ना। लेकिन हाँ, आज के बाद शायद ये भी सबक लेंगे कि हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए, अगर कहीं महिला की बात, जवान की बात, किसान की बात, संविधान की बात है, तो भारत में हर इंसान को जो भारतीय है और कहता है हाँ हम सच्चे भारतीय हैं, तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए, किसी भी मीडियम से उठानी चाहिए। ऐसी बचेंगे नारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नहीं बचेंगी। ऐसे तो खाली आप ट्विटर पर कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, और फिर बाद में आप ही के मंत्री संतरी, आप ही के कार्यकर्ता बेटी को माले गनीमत समझ के लूटे जा रहे हैं, बाप का माल समझ रखा है आपने। तो मोदी जी का प्रभाव नहीं है क्या नेताओं पर, कंट्रोल नहीं? तो मोदी जी का अगर कंट्रोल होता तो मोदी जी ने अभी तो बोला था कि क्या नाम है, हम एक खास तबके को नहीं करेंगे, आप पठान को बहिष्कार मत करिए, लोग तब भी लगातार कर रहे हैं, तो मोदी जी की सुनता कौन है भाई? अच्छा, कौन सुन रहा है मोदी जी की? अगर एक प्रधानमंत्री है कि सुनामी आ जाएगा अगर मैं मुंह खोल दूं तो। हाँ, तो इन लोगों के तार आपस में एक दूसरे के पास है ना, तेरा चिट्ठा मेरे पास, मेरा चिट्ठा एक दूसरे की फाइल दूसरे के सॉफ्टवेयर में है, तो इसीलिए चिन्मयानंद को आपने देखा होगा, चिन्मयानंद ने भी ये कहा था कि अगर मेरी फाइल खोली तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एमपीओ की फाइल खोल दूं, क्योंकि लड़के मैं उनको भी सप्लाई करता हूं, बोला था चिन्मयानंद ने। मैंने अभी पसीना बहाया है इन्हें यहां तक लाने के लिए, पसीना तो इन्होंने बहाया है, आपने तो मलाई खाई है, आपने डबल मलाई खाई है, आपने के साथ वैसे भी गलत काम करा, वैसे भी मलाई खाई है, कोई पसीना नहीं बहाया, पसीना इन्होंने बहाया है। अगर पसीना बहाया था तो आप 72 घंटे से इनके साथ आके पसीना बहा रहे होते, आप इन्हें मना रहे होते, आप कहते कि जिसको तुम यौन उत्पीड़न समझ के मर पे इल्जाम लगा रहे हो, वो यौन उत्पीड़न नहीं था, आप आते क्यों नहीं आए? फेडरेशन की लड़ाई है, फेडरेशन को कुछ भी, अब तो कुछ भी कह लो, अपनी साख बचानी। भाई कितनी दूर है यहाँ से, मोदी जी कितनी दूर बैठे हुए यहाँ, है ना, 2-2.5 किलोमीटर मोदी जी को नजर नहीं आ रहा कि 72 घंटे से भारत के जैम बैठे हुए, गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए, आम महिला थोड़ी क्या मनीष भी आके यहाँ पर बैठ गई एमटीवीसी और बैठी रोज चली गई, भाई ये गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, ये भारत का गौरव है, भारत की वो महिलाएं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा है, तो इनको नहीं सुन पा रहे तो और वो क्या हाल होता है? ऐसे सुनवाई होगी फिर जब इनकी नहीं सुनवाई हो रही तो तमाम पूरे भारत को समर्थन करना चाहिए अभी इनको, तमाम भारतीय इनके समर्थन में आए, ना देखे कि कौन सा धर्म कुछ नहीं, कि इन्होंने फला वक्त ये कहा था तो धबा का वक्त ये कहा था किसानों को, मत देखिए बात गई रात गई, किसानों को किसान अपने आप को मनवा कर गए, नहीं किसान अपने आप को मनवा कर गए, किसानों को अगर कोई खालिस्तानी कह रहा था तो वो ठप्पा लेकर नहीं गए, वो मनवा कर गए कि वो भारत के वाकई अन्नदाता थे और हैं और रहेंगे, तो किसानों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज इनको जरूरत है, गलतियां सबसे होती, हो सकता है इनसे भी हुई हो, लेकिन ये नहीं कि आप गलती पे लकीर पीटते रहे, तूने गलत करा था, तूने गलत करा, हम तेरा साथ क्यों दें, तमाम लोगों को इनका साथ आना चाहिए, क्योंकि आज इनको आपकी जरूरत है। बीजेपी तो बार बार कह रही है कि इस मुद्दे को भी राजनीति में तब्दील किया जाए, तो नहीं, बीजेपी कहती क्या है? बीजेपी यही तो कहती है, वो तो खाली आके कहते थे राजनीति राजनीति, यानी आपको पता कि आप राजनीति कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तभी तो आप कह रहे हैं, अगर आपको पता कि आपके आपने कुछ गलत करा है तो आप उसको राजनीतिक रंग आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है राजनीति करिए, आप इस राजनीति को आके खत्म कर दो, दैट्स आप आओ यहाँ पर इनको मनाओ, इनसे माफी मांगो, जो जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उस पर कार्रवाई करो, होता है ठीक उसको जेल डालो, अगर वो निकलता है नहीं निकलता तो इनसे कह दो भाई मेरे बच्चे नहीं, वो तो ये तो हट धर्मों की सरकार है, ये हट धर्मी वाली सरकार है, तो ये अपनी गलतियां नहीं मानते जो है सामने आके बोले ना कोई आ भी नहीं रहा, हाँ तो उनको पता ना कि सामने आके तो यूएपी लगा देंगे देश दो, अजी सामने तो बैठे हैं भैया मोदी जी 2.5 किलोमीटर पे बैठे हैं, नाम कह रहे हैं जिन पर उत्पीड़न का आरोप है, महिलाएं तो सामने आए हैं सबूत, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ ये तो WFI वाली फेडरेशन है, दूसरी फेडरेशन निकालो, क्रिकेट हॉकी वॉकी सब जगह ये निकल कर आएगा, सब जगह ये निकल कर आएगा। अच्छा, कई मांगे बड़ी हैं जिनमें से एक मांग है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे इतने बड़े संघ को भंग किया जाए, आपको लगता है इतने बड़े जो संघ है वो भंग हो पाएंगे? नहीं नहीं, अगर कोशिशें तो करनी चाहिए ना, अगर कहीं आपको लगता है करप्शन है, महिला की इज्जत नहीं है, अगर आप डिमांड होता, कुछ भी नामुमकिन नहीं है आज के ज़माने में, कुछ भी नामुमकिन, डिजिटल ज़माना है, जिसकी एबिलिटी हो उसको शामिल करा जाए, जो डिसेबल है उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।